सुनाई नहीं देता क्या? समझ में नहीं आती तुझे? नहीं समझ में आती मार के लिए? एक बात बता, तू मुझे तेरे पैर तो कवर में लटक रहे थे, प्रॉपर्टी पेपर में नाम करने में समझ में नहीं आ रही थी क्या? रंडी रोना करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आ गई क्या? नहीं आई है? मैं अपने बेटे की प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगी। नहीं, रंडी रोने के लिए नहीं आई हूँ, समझ में आ गई? प्रॉपर्टी पेपर पे नाम कर दे चुपचाप से, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। मार क्यों रही है? समझ में नहीं आता। मार ये मेरे को, मार क्यों रही है? चल बहुत हो गया, कौन है ये? पता लग जाएगा कौन है वो, अभी पता लग। ए बुढ़िया कौन है तू? किसे बुलाया? कौन है भाई? तेरी माँ को देख, गिरा गिरा के मार रहे थे ये लोग। ये मार रही थी, ये मार रही थी, ये समझ में नहीं आई है। ये हाथ तोड़ के जो है ना बेटा, ऐसी जगह डालूंगा ना कभी धो नहीं पाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है, क्या नाम है भाई आपका? रवि नाम है दोस्त। रवि नाम है। रवि को जो है यहाँ पर अर्जेंटली बुलाया गया है गुजरात से, ठीक है? क्यों बुलाया गया है आपको, पूरी वीडियो देखोगे तब जाके समझ में आएगा। और आप इन्हें देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, ये इनकी माता जी हैं, और इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है इसके चलते हुए इनके बेटे को यहाँ बुलाया गया है। तो प्लीज़ आप बताइए क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये मेरा बेटा है, इसका इसकी शादी को 8 महीने हुए हैं, और वो भी शादी इसने अपनी मर्जी से की। अच्छा। इसका ये दिल्ली में किसी कंपनी में वर्किंग था, तो इसका ट्रांसफ़र हो गया गुजरात पे। अच्छा। तो गुजरात में जाने का इसकी बिहेव, इसकी वाइफ का बिहेवियर बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। मतलब रात में सुनने में आता है मेरे को कि मेरे गली मोहल्ले वाले ने बोला, बताया मुझे, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं होता कि मेरे को खाने में क्या मिला के दिया जा रहा है। अच्छा। खाना खाने के बाद मुझे दिन रात मुझे नींद आती है। अच्छा, नींद आती है? क्यों? मुझे पता नहीं कि मेरे को खाने में क्या दिया जाता है। आई थिंक वो शायद नींद वगैरह की गोलियां देती होगी, जब आप बोल रहे हो कि नींद आती है। गोलियां देती है, क्या देती है मुझे नहीं पता। और मेरे घर में सुनने में आया, मेरे पड़ोसी को कह रहे थे कि आपके घर में पता नहीं कौन कौन लड़के आते हैं। अच्छा, आप कुछ भी यार, कुछ भी बोल रहे हो आप, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? लड़के आते हैं? हाँ, लड़के। ये चीज़ें सुनाने के लिए आपने बुला रखा है भाई? अरे मेरे भाई, सुन मेरी बात, ये पहले से शादी के खिलाफ थी, ठीक है? और ये चीजों के लिए बुलाया? मैं पागल हूँ क्या? मैं तुम्हारा घर पर बात करना चाहूंगी क्या? नहीं नहीं, आप ये कर रहे हो, तुम्हारा घर पर बात, ये चीजें कर भाई। देखो ऐसा है, वो मुझसे प्यार करती है, पागल नहीं है वो भाई? एक मिनट, एक मिनट, खाना पीना नहीं मिलता क्या टाइम से? और तुम्हारी, तुमको क्या नहीं मिल रहा? एक मिनट, तुम्हारी भी बात सुनूंगा मैं, एक मिनट रुक जाओ। उसका परिवार ठीक से होना चाहिए, मेरे बेटे का, मेरी बहू लॉयल होने चाहिए। काहे का लॉयल यार, ये लॉयल्टी होती है क्या भाई? एक बात बताओ, तुम उनके इकलौते बेटे हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ। वो तुम्हारे खिलाफ यार, एक बात बता, मैं लव मैरिज करके बैठा हूँ ना दोस्त, तो मुझे पता है ना वो मेरे से कितने टाइम से रिलेशनशिप में थी। एक बात बताओ, यहाँ पर अर्जेंटली तुम्हें किस लिए बुलाया गया? यही तो चीज सोच रहा हूँ भाई, कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरा बॉस मेरे पे भड़क रहा होगा, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये चीजें सुनने आया हूँ भाई? एक मिनट रुक जाओ, देखो सब कुछ मैं आपको, इसके जाने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद, जब से यहाँ से गया है, उसके बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। उसके शॉर्ट्स, कपड़े भी शॉर्ट हो गए हैं, और रात को ड्रिंक करके आती है घर में, लेट नाइट आती है घर में, पार्टीज में जाती है, लड़कों के साथ घूमती है। वो लड़की ड्रिंक नहीं करती है, और भाई स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ड्रिंक वगैरह, ये शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह, ये चीजें नहीं करती है। यहाँ पर हमने कैमरा लगवा रखा, ठीक है, सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी वाइफ को पता है तुम यहाँ पर आ चुके हो, ये बताओ? नहीं 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 पता ना आंटी, आपने तो नहीं बताया ना? नहीं, मैंने नहीं बताया। ठीक है, वो आपके साथ ऐसा क्यों करती है, कुछ पता है आपको? हाँ, प्रॉपर्टी के लिए कह रही है, मतलब कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए आपकी। मैंने, मेरा एक बेटा, पर मैं बेटे को नहीं दूंगी प्रॉपर्टी, मेरा बेटे के, वो मेरे बेटे, मैं प्रॉपर्टी चलो उसके नाम कर भी देती हूँ। मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे को छोड़ दिया उसने तो, क्योंकि रात को तो पता नहीं कौन कौन आता है हमारे घर। यार, ये प्रॉपर्टी की बात, ये प्रॉपर्टी की बात है, मेरी जमीन जायदाद के पीछे पड़ी हुई वो। अच्छा जी, किस बात की जमीन जायदाद के लिए? मुझे एक बात बताओ, मेरा बेटा, आपका क्या समझ के बैठे? इस बात के लिए बुलाया क्या? मेरा तो इकलौता बेटा है। अबे भाई, आराम से बात कर रहा है, आराम से बात। मैं कैसे जान, काय का बेटा है यार तुम लोग? आराम से बैठिए यार, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। ये सोच के बैठी है कि इनकी प्रॉपर्टी के चक्कर में बैठी है वो भाई? ऐसा जरा सा नहीं है भाई। एक मिनट रुक जा, देख मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूं, बुरा नहीं चाहूंगी मैं, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? देखो गाइस, मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि इस भाई को यकीन नहीं हो रहा कि इनकी वाइफ ऐसा कर सकती है, ठीक है? क्योंकि इनकी लव मैरिज हुई थी, और भाई देख, उसे पता तो नहीं है ना बिल्कुल भी कि तुम आए हो यहाँ पर? नहीं यार, उसे नहीं पता। ठीक है, तो अभी हम लोग कैमरे के पीछे जा रहे हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है? सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है?
अगर मैं तेरा बुरा चाहती होती तो मैं तेरी शादी जो कर रही सो करने रहती शादी के बाद तेरे जाने के बाद। अगर मैं ये चाहती तेरा बुरा होता होना तो बुरा, अच्छा तो आप कभी बात करी नहीं इस बारे में आपने बैठ के वो करने देती फैमिली में कभी बैठ के बात करी मैं छुपा के रखती ना पापा ने कभी करी थी। आंटी जी भैया एक मिनट यार चुप हो जाओ ठीक है। देखो अगर दो मिनट रुक जाओ बस कैमरा स्टार्ट है ठीक है। हम लोग कैमरे के पीछे चल रहे हैं जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप आगे नहीं आओगे ठीक है ना। देखते हैं तो ठीक है आंटी आप अपने पास ये माइक रख लीजिए ठीक है देखते हैं। हाँ बुढ़िया क्यों बुलाया था ना मुझे यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है। ये कौन है ये कौन है मेरे साथ आया वो भी हूँ तुम्हें क्या मतलब क्यों मुझे मतलब क्यों नहीं होगा मेरे ये रात भर से घर पे नहीं आई तुम हो कौन किसके साथ थी रात भर मैं कहीं पे बीच में क्यों आया हमारे फैमिली मैटर है तुम क्यों बीच में आया। अरे मेरे से बात कर मेरे से बुढ़िया मेरे से बात कर मेरे से इसको हटाओ तभी तो बात करूंगी। अरे यार तू मेरे से बात कर देखो प्रॉपर्टी के पेपर नाम करने के लिए बोला था बुढ़िया करी के नहीं करी किसके नाम मैं नहीं करूंगी मेरे बेटे की प्रॉपर्टी में ऐसे कैसे कर दूं मेरा भी हिस्सा उसके अंदर हां तो शादी करके आई हां तो रहो ना मैं मेरे बेटे के नाम पे करूंगी ना मैं बुढ़िया समझ में नहीं आती तेरे को बात क्या दिक्कत है नहीं करूंगी ठीक है ना मेरे बेटे की है ना प्रॉपर्टी सारी सेवा पानी करती तुम कौन हो तो बोलने वाले मैं इससे बात कर रही ना। हाँ कौन हो तुम हो कौन हमारे फैमिली मैटर है ना। लड़ने का कोई फायदा नहीं है समझ में आ गई तेरे को लड़ने का कोई फायदा नहीं है प्रॉपर्टी के पेपर नाम कर बात खत्म कर चल। मैं नाम नहीं करूंगी वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे की वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है। प्यार से बोल रही टाइम वेस्ट मत कर मेरे बेटे की प्रॉपर्टी मैं नहीं दूंगी मेरा इकलौता बेटा है मेरा तेरे बेटे के सामने रोना धोना करूंगी वो काफी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं करूंगी नहीं समझ में आ रही मार के रही और हाथ कैसे उठा रही है मेरे पर नहीं करूंगी मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है तेरे बेटे के साथ में रहती हूँ ना मैं। हाँ तो रहती है तो मेरे बेटे के साथ रहना प्रॉपर्टी नाम क्यों करूँ फिर मैं प्रॉपर्टी नाम क्यों करूँ मैं प्रॉपर्टी नाम नहीं करूंगी मैं प्रॉपर्टी नाम नहीं करूंगी क्यों होगी तुम कौन बोलने वाले तुम कौन बोलने और क्या तुम कौन बोलने वाले मैं उससे बात करी मेरी घर की बहू है वो रिश्ता कैसे मैं बेटा बेटे करके बात करूँ बुढ़िया बोल रही मेरे को है तुम्हारी माँ है घर पे तो? तुम्हारी माँ है घर पे ठीक है मेरे ऐसी ओहो क्या माँ हाँ। क्या करूँ मैं हाँ प्रॉपर्टी के पेपर नाम कर चल नहीं करूँगी प्रॉपर्टी के पेपर नाम मेरे बेटे के मेरे मेरा जाएगा तो मैं हूं मेरा बेटा मेरे प्रॉपर्टी का पेपर नाम तुम तो रात को पता नहीं किसको लेकर आती हो घर पर कौन कौन रहता है गली मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में दिन भर मुझे तो नींद की गोलियां देती है खाने को खाने के साथ हाँ तो देती हूँ ना क्या कर लेगी इस बात में देते हो मेरे को नींद की गोलियां मैं दिन भर सोती रहती हूँ मुझे मेरे गली मोहल्ले वाले बोल रहे हैं तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है तभी पूछ नहीं नहीं क्या कर चल पहले खड़ी हो यहां से खड़ी नहीं करूंगी तुम क्यों बोल रहे बीच में इधर मेरे से बात कर इधर दफना दूंगी ना मार के पता भी नहीं चलेगा दफना दो मैं लेकिन अपने बेटे की प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दूंगी देख बुढ़िया देख यहाँ क्या मुझे रंडी रोना करने के लिए बुलाया गया तूने
देख तेरे को प्यार से समझा रही, मेरी प्रॉपर्टी नाम कर दे। जो भी है कर दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए। मैं तेरे से प्यार समझ से नहीं आ रही, इतनी देर हो गया तू तो बोल मत, तू तो बोल मत, क्यों ना बोलूं, तू तो बोल मत, इधर क्या रंडी रोना करने के लिए बुलाएगा? दिमाग खराब कर रखा है, आधा घंटा हो गया समझाना। पार्क देख ले चारों तरफ से पूरा सुनसान है, यहाँ अगर मार के भी डाल देना देखो पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ गई? चल रही है नहीं चल रही है प्रॉपर्टी का पेपर पे नाम कर ले। लेके चल, दिक्कत तो बहुत हो रही है, काफी देर होगी। अच्छा क्यों, चल भाई चल, लेके चल खींच के। अरे चले वो तो क्या नाटक है, क्या समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। इसको मार के लक्की करो, यहाँ से हटो, यहाँ से खड़े हो चल। अच्छा इतना हो गया, रंडी रोना करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आ गई या नहीं आई है? मैं अपने बेटे की प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगी। नहीं कर, मैं रंडी रोने के लिए नहीं आई हूँ, समझ में आ गई? प्रॉपर्टी में पेपर पे नाम कर दे चुपचाप से, बेफालतू का रंडी रोना करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे। मुझे रंडी रोना करने के लिए बुलाया तूने मुझे, हैं कब्र में पैर लटके हुए तेरे, समझ में नहीं आ रही तुझे? नहीं समझ में आ रही, नहीं दूंगी प्रॉपर्टी, वो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है। तो क्या करूं मैं? मैं किसी और को नहीं दे सकती, चाहे वो तुम भी क्यों ना, तुम क्यों ना, तुम तो मेरे शादी करके तो मेरे बेटे का है ना, तुम तो बोलो मत। अबे चल, तुम तो बोलो मत, साथ आया बोलूंगा नहीं क्या? अरे चल, तू प्यार से नाम कर रही है, नहीं कर रही है? बहुत देर होगी, समझ में नहीं आ रही तेरे को? नहीं करूंगी। क्यों? तू ये पकड़ चल, चल यहां से लेके चल, चल खड़े हो लेके चल, बहुत हो गया। कौन है भाई तू? कौन है ये? कौन है ये? अभी पता लग जाएगा कौन है वो, अभी पता लग जाएगा कौन है। कौन है? भाई कौन है? मैं भी पूछ रही थी कौन है वो, कौन है ये? मैंने ही पूछा था कौन है वो, तुमने बताया था कौन है? वो मेरा बेटा है। कैसे मार रहे हैं? मार किस तरह तू? ओ भाई तू कौन है? कौन है ये? कौन है तुम? बताओ मार कैसे उठा रहे हो? बताओ तेरे कौन है? कौन है तू? बता रहा नहीं बता रहा कौन है तू? हैं? देखा? हाँ तो बताना कौन है तू? पीछे रहियो। ए बुढ़िया कौन है तू? किसे बुलाया? पीछे रहियो। कौन है? पीछे रहियो। मार के रहियो। आराम से बात करो। कहाँ लेके आ रहा था इसे? कहाँ लेके आ रहा था? मेरे को मार के नाले पे डालने जा रहा था, मार के दोनों। कौन है बता रहा नहीं बता रहा? लगा। मैंने ही पूछा था कौन है, बताया था मेरे को, मैंने ही पूछा था कौन है ये। लगा भाई बात तो सुन ले मेरी, सुना क्या सुनाया बात? एक साइड ये कौन है, ये कौन है? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है तेरी? जानता है ये कौन है इसकी? पता है मुझे, खाने वाने को ना कुछ देते हैं, इतना काम करवाते हैं उससे, काम करवाते हैं, खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ रहती है। अबे वो शादीशुदा शादी, मेरे बेटे ने इसको, कौन है ये? जो कौन है? बॉयफ्रेंड है? मेरे बेटे को धोखा दे रही है, मेरे बेटे को धोखा दे रही है। मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम करूं? मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम करूं? मेरे बेटे की प्रॉपर्टी तेरे नाम करूं? ताकि तो इन लोगों को ये इसको अपने बॉयफ्रेंड को रख सके। हाँ मुझे कह रही है कि मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, मैं प्रॉपर्टी इसलिए दूं ये करने के लिए, वो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी है। तेरे हस्बैंड को बताऊंगा, देख तूने शादी के बाद बॉयफ्रेंड पाल रही है तू, आगे बस उनको है? कौन बताएगा? उनको कौन बताएगा? वे जमूरे उनको कौन बताएगा? गर्लफ्रेंड है ना, तू ही बोलेगा सब कुछ, बोलेगा नहीं बोलेगा बोल। कौन है ये मेरे को? अबे बेटा है मेरा, मारो मत मेरे, अभी पता लग जाएगा कौन है वो, मेरा बेटा है वो। पता लग गया देख, ये कौन सा बेटा? तुम्हारा इकलौता एक ही बेटा था ना? हाँ तभी तो इनको बुलाया, कौन है ये? ये बेटा है मेरा, अभी पता लग जाएगा कौन है वो। क्या ये? एक मिनट जरा माइक देना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? देख भाई देख, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या ये? मैं नहीं जानती, ये लड़का छेड़ रहा था। छेड़ रहा था? ये छेड़ रहा था। भाई ड्रामे ना, तेरे ड्रामे अभी देख रहा हूँ मैं भाई। ये लड़का इसी के साथ है जिसे बोल रही है छेड़ ना, और मुझे भी बोल रही है इसके साथ, झूठ कम बोलियो, बता रहा हूँ मैं तेरे पे इतना भरोसा तेरी में उसके ऊपर, उसको बोला मैंने और तू इसके साथ थी भाई। तेरी माँ को देख, गिरा गिरा के मार रहे थे ये लोग, ये मार रही थी, ये मार रही थी, ये मारेगी तो साले मार दूंगा तेरे को, तो मैं देखूंगा साले। समझा करो, समझा करो, समझा करो,
समझा करूं, क्या सोच के लग रही है, लग रही है, लग रही है, हैं लग रही है, क्या दे रही है, लग रही है, अरे मुंह से बोलो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, प्रॉपर्टी नाम करवानी है भाई। इस देख तू, ये है इसका बॉयफ्रेंड, तू है यार इसका, हां ये है। जरा मुझे बता क्या कितना टाइम से चल रही तेरी, तू जिससे सेटिंग कब से चल रही है, तू बता ना, क्या चल रहा है, अबे बोल, एक साल हो गया, साढ़े काट के ही गए रुआ, इसके पे हाथ उठाया ना तुमने, एक साल, एक साल, तेरी माँ तेरी माँ आठ महीने से रह रही है, तेरा शर्म नाम की चीज नहीं है, देख ले भाई ये होता है लव मैरिज का नतीजा, और कर ले भैया, मैं तो कसम से मैं तो ये गलत सोच रहा था इसको, ये मेरी माँ का था, मैं हर चीज बताती थी, माता जी आप रूंगा प्लीज बैठ जाओ, किस तरह की है, कुछ नहीं है, शर्म नहीं आती, क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं लगा दो चार कैसा हस्बैंड, इधर क्या ऐसा क्या कुछ नहीं है, वो तो साले मैं बताऊंगा, क्या क्या सॉरी साले, उस टाइम तेरे को समझ में नहीं आई तेरे हैं, उस टाइम तेरे समझ में नहीं आई हैं, सॉरी सॉरी तो तेरे को, ये हाथ तोड़ के जो है ना बेटा ऐसी जगह डालूंगा ना कभी धो नहीं पाएगा, आ गई बात सही में, खड़ा बैठ नीचे बैठ, अय्याशी करनी है तेरे को, और ये क्या पहन रखा है, इन कामों के लिए दे रखा है क्या तेरे को भाई, उसे छोड़ इसे देख, और दोनों के दोनों सुन लो, देख उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख, कैमरा बंद करो यार, कैमरा बंद कर, कैमरा प्लीज कैमरा बंद करो, आजा दिखा रहे हैं तेरे पूरे खानदान को भी दिखाना है, देख नहीं नहीं देख, कैमरे का मत करो प्लीज, कैमरा बंद, क्या माफ करना है, चुप रहियो बता रहा हूं मैं, साले तेरे चक्कर में, ये माँ से, तेरी माँ से भी बड़ी थी और हर चीज थी करने वाली, नींद की गोलियां देती है, अरे तेरी मेरी तो लव मैरिज थी, शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी को, अबे ओ सॉरी, तुम्हें डलवाऊंगा मैं, इसको धमकी दे देना कि तुम्हें गड्ढे में डालोगे, साड़ा तुम्हें कटवा कटवा के टुकड़ों में बांटवा दूंगा तुम्हारी वजह, अबे तेरे तो साले काम करने के लिए पहुंचा पड़ा था मैं बाहर, अपनी जिंदगी खराब करके बैठा हूँ मैं तेरे पीछे, क्या सॉरी यार, तेरे सॉरी के चक्कर में बैठा हूँ क्या, नहीं रहूंगा साथ, मैं रहूंगा ही नहीं, कोई मेरा वास्ता नहीं है इसके साथ, मुझे माफ कर दो, मैं देख ले कैसे डायन गर्लफ्रेंड, ये तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता मैं, तू तो प्रॉपर्टी के पीछे इसकी होगी, और एक साल से चल रही है तेरी, और आठ महीने हो गए मेरे से, कब से धोखा दे रही है तू मेरे को भाई, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में तेरे साथ थी, मेरी बात मान ले, अरे भाई अगर ये तू प्रॉपर्टी के, तू आज मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो पाएगी, तू इसकी तेरी की होगी, तू क्या रहेगा, भाई देख ले अब तुझे क्या करना है, जो कुछ था भाई मुझे तो इसे खत्म करनी है, और मेरी माँ ही बढ़िया है मेरे लिए, सबसे बढ़िया, लव मैरिज करने के बाद भी मेरे को सपोर्ट में रखा ना, अरे भैया तुझसे हम माफी मांगते हैं, तेरी जैसी हो, अबे तुम मरोगे बेटे, और भाई इनके घर वाले से बात करियो वीडियो के साथ जाके, भाई ये इन्हें यहाँ से गारत कर ले दोनों के दोनों को, साले चला यहाँ से, काट काट के डाल दूंगा तुझे, तो वीडियो मैं बताता हूँ तेरे बाप को भी, जितना बाप तेरा बन रहा था ना, इसी नहीं बढ़िया है मेरी लड़की, अच्छी लड़की ये है, आप अपने बेटे को समझा, अरे मम्मी रहने दो भाई प्लीज, सॉरी क्यों कर रहे हो ऐसा, सॉरी मैं सॉरी बोलता हूँ, अपनी राइट से हाथ जोड़ता हूँ मैं, इससे इससे रिश्ता नहीं रखूंगा मैं, इसकी ऐसी ऐसी लड़की नहीं रह सकता मैं, तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने बेटे को बताना चाहती थी, माफ कर दो मां, और तू इसके साथ लगी पड़ी रही, देख लो भैया अब क्या करना है भाई, ऐसे तो गारत करे भैया, ऐसे भगाई से ऐसे से घर पे आके बात करियो, तो भैया ऐसा है रास्ता पकड़ो यहाँ से निकल, ठीक है तेरे बाप से बात करूंगा मैं, अब तेरा बाप उछल रहा था ना इस चीज पे, नहीं 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 कोई माफी नहीं, तू क्या भाई मतलब नहीं है, तो मतलब तेरा तो हिसाब आएगा, तू तो यहाँ से निकल ले, तेरी तो जिंदगी खराब कर दूंगा मैं, समझ गया चल, और तू क्या माफ कर दो, तेरा तो खत्म हिसाब भाई, देख ले आप तेरा घर का मैटर रह गया, अब तू जो पेपर भाई पेपर करवाऊंगा इसके नाम के, ये प्रॉपर्टी के डिवोर्स के, हाँ ये हुई ना बात, हाँ ये मैं दिल्ली से गुजरात किस लिए गया, इसको यशी कराने के लिए, मैं ही सोचता था इसके खाना पीना पूरा होता रहे, हाँ हाँ माफ कर दिया बहुत बड़ा माफ करूंगा तेरे को, रुक जा बेटा अभी कागज आन दे, कागज में माफी मिलेगी तेरे को पूरी, तुम मम्मी बात बोलो, बहुत बोल दिया था आपने, ठीक है मैं गलता क्या, तुम्हारी बात नहीं मानी, देखो भैया अब तुम्हारा घर का मैटर रहेगा, अब एक काम करो घर पे आओ, जो करना हो देखो भाई, अब मुझे नहीं पता, माफ ना माफ, चल तेरे को घर पे बताता हूँ, तुझे तुझे ज़्यादा हो रही है ना, सो गाइस मतलब देख रहे हो
शादी के बाद भी अफेयर चल रहा है, और मतलब मैं सोच रहा खाली लड़की आएगी, लेकिन उसकी वाइफ के साथ एक लड़का भी आया, उसे भी ये पता कि हाँ ये मतलब शादीशुदा फिर भी। तो देख लो भाई दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना मत करना, फॉलो करना मत करना, कमेंट करना मत करना, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक और अवेयर हो सके। और मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करने की कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, जाके अभी फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।